सो है गाइस, फिर से स्वागत है नया वीडियो लेके। वीडियो का टॉपिक है ओप्पो A5s मॉडल है। तो इस मॉडल का आज हम कॉम्बो चेंज करेंगे। जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं ये पूरा क्रैक हो गया, तो इसको हम चेंज करेंगे। वीडियो को देखते रहे, इसकी मत करिए, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको पूरा खोल लेता हूँ। गाइस, तो पूरा स्क्रू में खोल लिया है। इस बैक साइड को आपको खोल लेना है। बैक साइड को हम खोल लिया है। आप बैटरी को ध्यान से अच्छा से संभाल के निकालना पड़ेगा। मैं बैटरी को खोल लिया है। आप डिस्प्ले जैक को भी खोल लिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अब हीट दे के मैं, ताकि आसानी से उठ जाए, कोई प्रॉब्लम ना। गाइस, मैं इसको थोड़ा सा हीट कर लिया ताकि ये आसानी से निकल जाए, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, मैं इसको निकाल लिया। अब नया डिस्प्ले यहाँ लगाएंगे। गाइस, ये ओप्पो A5s का कॉम्बो आ गया। तो इस कॉम्बो को लगाने से पहले, पेस्टिंग करने से पहले मैं एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये पिक्चर आ गया। स्टार्च को पहले एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम पेस्टिंग करेंगे। स्टार टैग का है ये कॉम्बो, अच्छा क्वालिटी है। देख लीजिए, डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। इसका पासवर्ड लगा हुआ है तो हम इसको चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसका टच अभी ठीक है। तो अब इसको मैं पेस्टिंग करेंगे। तो ये पेस्टिंग करने से पहले एक बात ध्यान से देख लीजिए, साइड को अच्छे से क्लीन कर लेना है, ठीक है, ताकि डिस्प्ले अच्छा से बैठ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मैंने पूरा क्लीन कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा भी कुछ गंदा नहीं है, हम पूरा क्लीन कर लिया। अब इसको पेस्टिंग करेंगे। 37,000 मैं इसको पेस्टिंग करेंगे। तो आप देखते रहे वीडियो में, पूरा ख़त्म होने वाला है। थोड़ा सा है इसमें, काम चला लेते हैं, ठीक है। अब अच्छा से इसको पेस्टिंग करना होगा। तो ये थोड़ा सा नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही देना पड़ेगा। डिस्प्ले का अंदर नहीं गिरना चाहिए। दोस्तों, मैं अब डिस्प्ले को यहाँ बैठाऊँगा। तो मैं पहले अच्छा क्लीन करके 37,000 इसमें लगा लिया। अब डिस्प्ले को पेस्टिंग करेंगे। तो वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस डिस्प्ले में जो एक पेपर लगा हुआ है, अब इसको खोल देना ताकि डिस्प्ले अच्छा से पेस्टिंग हो जाए। अच्छा से बैठाना होगा। देख लीजिए, मैं इसको अच्छा से पेस्टिंग कर लिया। अब जैक को लगा लेना है। अब आपको बैटरी को भी लगा लेना है।
ठीक है। अब क्या करना है, अब पीछे बैक साइड को भी आपको पेस्टिंग करना है, बैक फ्रेम को पहले लगा लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको पेस्टिंग कर लूँगा। दोस्तों मैं स्क्रू को लगा लिया, अब फिंगर पिन को यहाँ सेट कर लूँगा। ठीक है, अब एक साथ सबको पेस्टिंग कर लेंगे। अब रबर से इसको अच्छा से पेस्टिंग कर लेंगे। देख लीजिए दोस्तों, सेट को मैं चालू करके दिखाते हैं। देख लीजिए, मेरा सेट ओपन हो गया। अब इस सेट को मैं रख दूंगा 3 घंटे के लिए, उसके बाद इस रबर को हम खोल लूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।